नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नीट एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़ा डाउट क्लियर करेंगे। हम बताएंगे कि नीट की एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। सीबीएसई ने एनटीए को नोटिस भेजा है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन सीबीएसई ने नोटिस ये भेजा है कि सीबीएसई बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो शायद मई में करवाई जाए, जिससे नीट की एग्ज़ाम पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, सीबीएसई ने एनटीए को ये नोटिस भेजा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3 मई को जो आपका एग्ज़ाम होना था, अब होगा या नहीं वो बात अब तक कंफर्म नहीं है। लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको तैयारी 3 मई की करके चलना है, और पोस्टपोन होगा या नहीं होगा उस बात पर आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपको 3 मई की तैयारी कर लेनी है। और एनटीए का भी अभी तक कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं आया है। सीबीएसई का एग्ज़ाम आगे हो सकता है, लेकिन नीट का एग्ज़ाम आगे पीछे होने के चांसेस बहुत कम है। नीट का एग्ज़ाम भी आगे हो सकता है, लेकिन अगर 3 या 4 मई तक सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो नीट का एग्ज़ाम भी थोड़ा आगे जा सकता है। इस चेंजेस को चलते आपको अपनी तैयारी को कमज़ोर नहीं करना है। चेंजेस होता है तो 2 या 1 वीक का ही आगे हो सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको टारगेट यही रखना है कि मार्च अप्रैल एंड तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और पोस्टपोन होने की बात सही है, लेकिन अभी तक ऑथेंटिक जवाब या न्यूज़ एनटीए की ओर से नहीं आया है। अभी इस वीडियो में इतना ही।